और आज हम ताल ठोक रहे हैं उन हालातों पर जिसकी चेतावनी पहले से ही दे दी गई थी। बावजूद इसके नहीं जागा सरकारी सिस्टम। अब तस्वीर यह है कि बारिश बन गई है आफत। दरअसल उत्तराखंड में लगातार हो रही भारी बारिश के चलते जनजीवन पूरी तरह से अस्त व्यस्त हो गया है। कहीं सड़क बह गई है तो कहीं टूट गए हैं पुल। सवाल यह है कि आखिर पहले क्यों नहीं जागा शासन प्रशासन। आपदा का दंश झेल चुके उत्तराखंड में एक बार फिर आफत की आहट सुनाई दे रही है। लगातार हो रही बारिश ने जहां बद इंतजामी की सारी पोल खोल कर रख दी है, वहीं शासन और प्रशासन कितना सतर्क था ये भी शीशे की तरह साफ हो गया है। मौसम विभाग ने पहले ही मौसम के हालात पर चेताया था, लेकिन किसी को कोई चिंता ही नहीं हुई। लेकिन अब भारी बारिश के कारण करीब 14,000 चारधाम यात्री जहां तहां फंसे हैं। बारिश शुरू हो चुकी है और हम लोगों ने पहले से कह दिया था कि 24 से लेके 27 के बीच में वर्षा रहेगी, और खासकर जो चेतावनी भी दे दी थी हमने कि 25-26 में खासकर भारी वर्षा हो सकती है प्रदेश के अंदर। बारिश कहर बनकर टूट रही है पहाड़ों पर। पानी का सैलाब सिहरन पैदा कर देता है, क्योंकि पानी के ऐसे ही सैलाब ने कभी न भूलने वाला दर्द दिया है उत्तराखंड को। पहाड़ों में लगातार हो रही बारिश के बाद नदियां उफान पर हैं। रुद्रप्रयाग और उत्तरकाशी में कई जगहों पर पुल टूटे पड़े हैं। बद्रीनाथ में राष्ट्रीय राजमार्ग की 100 मीटर सड़क बह गई। धारचूला, मुनस्यारी, डीडी हाट मार्ग बंद हो गया है। पिथौरागढ़ अल्मोड़ा मार्ग खुलने के बाद फिर बंद हो गया है। बेरहम बारिश में बदहाल हो गया है सब कुछ। हरिद्वार से लेकर केदार तक एक जैसी ही कहानी है। रेस्क्यू ऑपरेशन के लिए 3 हेलीकॉप्टर भी लगे हैं। बहरहाल ये दर्द है देवभूमि का, लेकिन कुछ सवाल है जो शोर कर रहे हैं। क्यों पहले नहीं जागा प्रशासन? क्यों मौसम विभाग की चेतावनी पर भी नहीं हुई किसी को चिंता? ब्यूरो रिपोर्ट, समाचार प्लस। जहां पहाड़ों में एक बार फिर तबाही बरसी है, सब ज्यादातर पुल टूट चुके हैं, सड़कें बह चुकी हैं, और एक बार फिर हालात कमोवेश बहुत ज्यादा दयनीय होते नजर आ रहे हैं। बड़ी संख्या में यात्री अभी भी, तीर्थ यात्री खासकर, फंसे हुए हैं और अब उन्हें निकालने की कोशिशें जारी हैं, जिस पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं मथुरा दत्त जोशी जी, प्रवक्ता हैं कांग्रेस के, और वीरेंद्र बिष्ट जी हैं, मीडिया प्रभारी हैं बीजेपी के। आप दोनों का स्वागत है। सबसे पहले मथुरा दत्त जोशी जी, कुछ वक्त पहले तक सरकार के हिसाब से सब कुछ ठीक था, अचानक क्या हो गया? बोलिए जोशी जी। क्या बोलूं, मेरे पता है नहीं जी। मथुरा दत्त जी, सरकार कुछ वक्त पहले तक लगातार दावा कर रही थी कि सब कुछ बेहतर है, सब कुछ दुरुस्त चल रहा है, रोकी नहीं गई है यात्रा, यूं ही चलती रहेगी यात्रा, रिकॉर्ड बनने वाला है, फिर पटरी पर वापस आ रही है यात्रा। अब क्या हो गया? आवाज तो आएगी आपको, आ रही लगता है मथुरा जी, दत्त जी तक आवाज नहीं पहुंच पा रही। वीरेंद्र जी, सवाल यहां पर बार बार उठ रहे हैं, आखिर बहुत सारे दावे किए गए थे सरकार की तरफ से, ऐसा लग रहा है कि सारे दावे खोखले साबित हो गए। निश्चित रूप से प्रशांत जी, ये बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है इस प्रदेश में जी, कि मौसम विभाग के द्वारा चेतावनी दी गई 2-3 दिन पहले, और पूर्व में भी इस तरीके की चेतावनियां मिलती रही, लेकिन प्रदेश सरकार ने अभी तक कोई भी ऐसा काम नहीं किया है, ऐसा कोई मैनेजमेंट नहीं किया था जी, जिससे ये जो यात्रा है ये सुगम और सुरक्षित रहे। आपने देखा कि जो पुल बनाए गए थे, जो पैदल मार्ग बनाए गए थे जी, जो सड़कों पर जो पुस्ते लगाए गए थे वो सब बह गए हैं, तहस नहस हो गए हैं, यात्री जहां तक फंसे हुए हैं, और मुख्यमंत्री जी अभी भी कह रहे हैं कि यात्रा हमने जो है रोकी नहीं है, यात्रा चल रही है। ये दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है, लोग जो है यात्री परेशान है, जोशीमठ से लेकर घंघरिया तक, और यहाँ अगस्त मुनि से लेकर जो है कालीमुठ से लेकर उखीमठ तक, लेकिन किसी भी यात्रियों को वहाँ सुविधा प्रदान नहीं हो रही है, न उनको रहने के लिए जगह मिल रही है, न उनको खाने के लिए सरकार ने कोई कैंप लगाया है, न कहीं कोई टेंट लगाया है। कल तक कोई हेलीकॉप्टर नहीं भेजा गया, आज कहा गया कि आज हम हेलीकॉप्टर भेज रहे हैं लोगों को निकालने के लिए। तो सरकार सिर्फ बयानबाजी कर रही है, सरकार लोगों का ध्यान बांटना चाहती है। प्रदेश के मुख्यमंत्री लोगों को बरगलाने की बात कर रहे हैं,
और सही रूप से धरातल पर कोई भी काम नहीं दिखाई दे रहा है, जैसा आपके समाचार प्लस में हमको देखने को मिला है कि जहां तहां जो है सड़क मार्ग जो है पूरे अवरुद्ध हो गए हैं, बिल्कुल यात्रा पूरी तरीके से ठप हो गई है। बिल्कुल वीरेन जी, ऐसा लग रहा है कि कहीं ना कहीं सरकार की छवि बेहतर रखने के लिए दावे जो किए गए उनमें बहुत ज्यादा अंतर था वास्तविकता और हकीकत में, और वो अब सामने आ रहा है। निश्चित रूप से प्रशांत जी, सरकार ने अपनी पीठ थपथपाने के लिए और अपना आभा मंडल जो है अपने केंद्रीय नेतृत्व पर उन्होंने दिखाने के लिए इस तरीके की बयानबाजी की है, और बार बार जो है विपक्ष कहता रहा कि भाई आप अभी इसी चेतिए, अपने सड़क मार्गों को दुरुस्त करिए, जो आपके पुल है उनको दुरुस्त करिए, वहां पर आपकी पीएससी, आपके जो है तमाम सुविधाएं जो है मूलभूत जो ढांचा है वो खड़ा होना चाहिए, हॉस्पिटल से लेकर दवाइयों से लेकर खाद्य सामग्री से लेकर सब चीज रहनी चाहिए। जो भी यात्रा पड़ाव है प्रशांत जी, मैं कहना चाहता हूं समाचार प्लस को कि आप दिखाइए कि कहीं पर भी सरकार की तरफ से कोई भी राहत कैंप नहीं लगाए गए हैं, कहीं भी लोगों को खाना नसीब नहीं हो रहा है, लोगों की जेब में जो पैसा था वो खत्म हो गया है, यात्रा मार्ग पर जो लोग आए थे त्राहिमाम हो रहे हैं, और सरकार कह रही है कि यात्रा निर्विघ्न चल रही है। जी तो दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति प्रदेश में है। जी जी मथुरा दत्त जोशी जी, आवाज अगर आप तक पहुंच रही है, सवाल सीधा है, आखिर बड़े बड़े दावे सरकार के प्रशासन के ठप हो गए, फेल हो गए सारे? नहीं, कहीं पर कोई फेल नहीं हुआ है। निश्चित रूप से देखिए, मानसून की पहली बरसात है और पहली बरसात में सारा कुछ बह गया। जरा बात आप हमारी सुन लीजिए, कहने का प्रश्न देखिए, गलत बात कहने का कोई अर्थ नहीं निकलता है। हम कहते हैं बह गया, तहस नहस हो गया, इस तरीके की पिक्चर हमको नहीं रखनी चाहिए मीडिया के आगे। जी कहीं पर भी कहीं से भी ऐसा कोई समाचार नहीं आ रहा है कि कहीं बह गया है। मथुरा दत्त जी, जो तस्वीर सामने आ रहे हैं वो हम लोगों के सामने रख रहे हैं। आप शांत जी, जरा मेरी पूरी बात सुन लीजिए। मैं भारतीय जनता पार्टी की तरह इस प्रदेश की तस्वीर गलत पेश करने की बात नहीं कर रहा हूँ। जिस तरह भारतीय जनता पार्टी प्रचार कर रही है सब तहस नहस हो गया। अखबारों में मीडिया में निकला है कि 5-5 पुल बह गए हैं, सड़क मार्ग जो है अवरुद्ध हो गया है, आप गुमराह करने का काम कर रहे हैं, डाल रहे हैं। क्या ये कहना चाहते हैं, क्या इस प्रदेश की छवि हर हमेशा निगेटिव ही पेश करेंगे? अरे जब खतरा है लोगों को बताना पड़ेगा, आगाह करना पड़ेगा। आपके आगाह करने से नहीं होगा ना। एक कहीं पर भी, मैं दावे के साथ कह रहा हूँ, कहीं पर भी कोई ऐसी घटना अप्रिय घटना नहीं हुई है, सारे यात्री सुरक्षित है। ये जरूर है जब बरसात हुई है, अप्रत्याशित बरसात हुई है, उसमें नुकसान हुआ है, रास्ता कहीं है, जहां पर भी यात्री है वहां पर उनको रोका गया है, उनकी समुचित व्यवस्था हो रही है, खाने पीने की व्यवस्था है, रहने की व्यवस्था है। मथुरा जी, अभी तक तो सुरक्षित है यात्री, ठीक है आपने, लेकिन कब तक सुरक्षित रहेंगे ये सवाल है। कली गौरी कुंड के पास आसपास लगभग 5 पुल बह गए थे, आज भी ये सिलसिला जारी था, आप कह रहे हैं कि कुछ भी नहीं हुआ? मैं आपको दावे के साथ कह रहा हूँ, यात्रा कल सुबह से फिर सुचारू चलेगी। जी सब जगह बरसात रुक रही है, ये बरसात रुक रही है, सामान्य हालात आ रहे हैं। जरूर गांधे ऊपर बद्रीनाथ पर लामबगड़ के पास सड़क पर थोड़ा नदी ने अपना रुख बदला है, डायवर्जन हुआ है, वहां पर सड़क 100 मीटर के लगभग सड़क खराब हुई है, लेकिन वहां पर भी 7 हेलीकॉप्टर लगाए हैं सरकार ने। अगर कहीं पर कोई बात होगी तो सारे यात्रियों को सुरक्षित निकाला जाएगा। देखिए हमारा काम है उत्तराखंड की तस्वीर हम गलत पेश न करें, ठीक है? यात्रा रूट चल रहा है, यात्रा सीजन चल रहा है, हमारा ये प्रयास होना चाहिए कि थोड़ा सा हम संयम बरतें, थोड़ा तरीके से हम बात करें। भारतीय जनता पार्टी शुरू से 2013 की आपदा, क्या 10 की आपदा इन्होंने नहीं झेली? क्या भारतीय जनता पार्टी के समय आपदा इस प्रदेश में नहीं आई? ये बात कहने का अधिकार नहीं है, थोड़ा सा संयम से बात करें। मेरे विपक्ष के मित्रों से निवेदन है, हलमी के साथ हम निवेदन करना चाहते हैं, थोड़ा तरीके, थोड़ा सा समय लगेगा, जरूर भी है, मैं स्वीकार करता हूं उस बात को, लेकिन ऐसा नहीं है कि सब तहस नहस हो गया, सारा एक संदेश ही हम इतना गलत देते हैं कि यात्रा में सब डिस्टर्बेंस हो जाए, ऐसा कहीं नहीं है। वीरेंद्र जी, दावे किए जा रहे हैं, दावे यहाँ पर हो रहे हैं कि कल से यात्रा फिर शुरू हो जाएगी, लेकिन किन रास्तों पर जो बह गई है, टूट गई है, किन पुलों पर जो टूट चुके हैं, नदी में समा चुके हैं? प्रशांत जी, जी यही तो दुर्भाग्य है इस प्रदेश का, तमाम घटनाएं हो रही हैं। हम कह समझते हैं कि आपदा कभी भी आ सकती है, अचानक आ सकती है, लेकिन उसके लिए जो पूर्व में जो प्रबंधन किए जाते हैं वो प्रबंधन पुख्ता होते हैं, और वो प्रबंधन विश्वास के होते हैं। आज पहली बरसात हो गई है, सरकार की मौसम विभाग के द्वारा चेतावनी भी दी गई है,
पहली बरसात में पांच जो प्रमुख पैदल पुल थे जिनसे यात्रा प्रारंभ हुई थी और जिनसे यात्रा होकर जाती है, चाहे गंगरिया का पुल हो हमारे सिख भाइयों का जो पवित्र स्थल है, चाहे बद्रीनाथ जाने के जो पैदल पुल थे, चाहे हमारे केदारनाथ को जोड़ने वाले जो पैदल पुल थे, और चाहे हमारे कालीमठ का जो पैदल पुल था, ये सब बह गए हैं। ये किसी से छुपे नहीं, ये दुर्भाग्यपूर्ण है, दुखद है। हम ये नहीं कहते, हम इस पर कोई राजनीति नहीं करना चाहते। हम ये चाहते हैं कि सरकार का जो पुख्ता प्रबंधन था वो पूर्णता फेल हुआ है। दूसरा ये कि जो लोग वहां फंसे हैं, 6,000 से 7,000 यात्री जोशीमठ से ऊपर फंसे हैं, इसी तरीके से रुद्रप्रयाग से लेकर केदारनाथ तक फंसे हैं, उनके जो खान पान की जो व्यवस्था है, उनकी जो रहने की व्यवस्था है, सरकार ने कहीं पर भी कोई कैंप लगाकर, कोई टेंट लगाकर कहीं पर भी सार्वजनिक व्यवस्था नहीं करी है। मैं प्रमाणिक तौर से इस बात को आपके चैनल के सामने कह रहा हूं। सरकार ने कहा है हम उन लोगों को जो फंसे हुए हैं, उन लोगों को हम आज हेलीकॉप्टर से निकालने की बात कर रहे हैं। आप उनको हेलीकॉप्टर से निकालने की बात करें, हम उसका आपका स्वागत करते हैं कि यात्रियों को कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। भारतीय जनता पार्टी ने हमेशा इस बात को कहा है कि यात्रा सुगम हो, सरल हो, इसके लिए हमने प्रयास भी किए हैं, हमने साथ भी दिया है। लेकिन जान जोखिम में डालकर आप जबरदस्ती लोगों से कहें कि यात्रा रुकी नहीं है, जो नुकसान नहीं हुआ है, आप जो है यात्रा प्रारंभ भी रखें, तो कहने का आशय है कि कल कोई बहुत बड़ी घटना ना हो जाए। इसलिए आपको पहले से चेतावनी देनी चाहिए, लोग जिस तरीके से ऋषिकेश से ऊपर जा रहे हैं उनको हमको यहां पे ठहराव करने के लिए विश्वास दिलाना पड़ेगा। यह हम सरकार से चाहते हैं। लेकिन दुर्भाग्य है कि प्रदेश के मुख्यमंत्री और उनके जो तमाम बातें कांग्रेस पार्टी की सरकार में बैठे हुए लोग हैं और संगठन के लोग हैं, वो इस मामले को बिल्कुल भी इस मामले को सीरियस नहीं ले रहे हैं, बहुत हल्का ले रहे हैं। अपनी पीठ थपथपाने के लिए, अपनी वाहवाही करने के लिए बहुत बड़ा नुकसान का जो भय है उससे को अनदेखा कर रहे हैं। ठीक है, मथुरा दत्त जी, एक दर्जन से ज्यादा पुल अभी तक ध्वस्त हो चुके हैं। दावे में और हकीकत में तो बहुत बड़ा अंतर नजर आ रहा है, लेकिन करीब 13,000 से 14,000 जो यात्री अभी भी पहाड़ों में, चाहे केदारनाथ हो या हेमकुंड में फंसे हुए हैं, ऐसा लग रहा है कि उनकी जान जोखिम में डाल दी गई केवल और केवल अपनी सभी छवि या सरकार की छवि बेहतर करने के लिए। नहीं नहीं, नहीं, ये कहना बिल्कुल गलत होगा। सरकार कोई ऐसा काम नहीं कर रही है कि किसी की जान जोखिम में नहीं डाल रखी है। देखिए, यात्री यात्रा चल रही है, यात्री गए हुए हैं, जहां पर भी यात्री हैं उनसे निवेदन है, कर रखा है सरकार ने। माननीय मुख्यमंत्री जी खुद मॉनिटरिंग कर रहे हैं, एडिशनल चीफ सेक्रेटरी को जोशीमठ में कैंप करने का निर्देश है, जिलाधिकारी लगे हैं, 4-4, 5-5 वरिष्ठ आईएएस अधिकारियों को ड्यूटी में लगाया गया है, कहीं पर भी कोई कोताही नहीं होगी। भारतीय जनता पार्टी दिखाई जा रही है, लेकिन ये चुस्ती दुरुस्ती उस वक्त क्यों नहीं जब सड़कें बनाई जा रही थी, दावे किए गए कि सड़कें दुरुस्त हैं, केदारनाथ तक सब व्यवस्थाएं हो गई हैं, हर तरह की तैयारियां हैं। प्रशांत जी, एक मिनट, आप मेरी बात सुनिए कि देखिए, अब कल तक तो कहीं पर भी कोई सड़क दुर्घटनाग्रस्त नहीं हो रखी थी ना, कहीं देखिए ये अप्रत्याशित, जब तक बारिश नहीं आई थी तब तक सब ठीक था जी। अरे जब कल तक यात्रा आपकी ठीक चल रही थी, बारिश, अब बरसात हो रही है, बरसात में सारा इंजाम सरकार ने कर रखा, अल्टरनेट व्यवस्था कर रखी, अगर ऐसी व्यवस्था कहीं हो जाएगी, अव्यवस्था हो जाएगी, सड़क टूटेगी, साथ साथ हेलीकॉप्टर वहां पर रखे हुए हैं, निकालने में तो थोड़ा समय लगेगा ना। एकदम अतिउत्साह में आके हम एकदम आरोप लगा दें सब ध्वस्त हो गया, सब खत्म हो गया। मेरे विपक्ष के मित्रों से मेरा निवेदन है कि इस उत्तराखंड में की तस्वीर को गलत पेश न करें राष्ट्र के सामने। मीडिया से भी मेरा निवेदन है, ऐसा कहीं नहीं हो रहा है, कहीं पर किसी यात्री को कोई परेशानी नहीं हो रही। मेडिकल की सुविधा वहां है, रहने की सुविधा वहां पर कर रखी है, और आपका खाने पीने की सुविधा वहां है, टेंट लगे हैं, अधिकारी बिठा रखे, हर कैंप में एक एक आईएएस अधिकारी डिप्यूट कर रखा माननीय मुख्यमंत्री जी ने। स्पष्ट निर्देश दे रखे प्रशासन को, चाहे जिलाधिकारी हो, चाहे स्थानीय प्रशासन हो, चाहे प्रदेश के अधिकारी हो, अलग अलग सेक्टर पर अलग अलग ड्यूटी हर अधिकारी की लगा रखी है, और जिलाधिकारियों को, सीडीओ को अलग निर्देश दिए हैं। तो ऐसा कहीं नहीं है, इतनी बहुत जल्दी अति उत्साह में कोई ऐसी बात हमको नहीं कहनी चाहिए जिससे प्रदेश का गलत संदेश जाए, यात्रा में दखल पड़े। मैं फिर दावे के साथ कह रहा हूं, आप मथुरा दत्त जी संदेश कोई नहीं देना चाहता, लेकिन जो हकीकत है वो तो हमें सामने रखनी होगी, वास्तविकता को सामने रखनी होगी। एकदम हमको ऐसी हकीकत भी नहीं जिससे जनता में गलत संदेश जाए, एकदम हमको ऐसा भी नहीं कहना चाहिए कि सब तहस नहस हो गया। ये हम मान रहे हैं कहीं दिक्कतें आ रही हैं, लेकिन सरकार उतना इंजाम भी तो कर रही है। मथुरा दत्त जी, क्या सड़कें नहीं टूटी, क्या पुल नहीं बहे,
क्या लोग फंसे नहीं है 13,000 से 14,000 लोग अभी भी? हम मान रहे हैं बात, लेकिन यात्रियों को निकालने की व्यवस्था भी हो रही ना, फंसे नहीं है लोग। आप हम कैसे कहते हैं कि लोग फंस गए? यात्रा सरकार अपनी व्यवस्था कर रही है, सरकार लगी है उस काम में। अगर लोग अपने स्तर पर कहां से नहीं निकल पा रहे हैं तो फिर फंसे नहीं तो क्या है सर, ये बताइए अपने स्तर पर कैसे। देखिए जो जगह आपकी बद्रीनाथ में सड़क टूटी है, जो बद्रीनाथ का यात्री बद्रीनाथ में रुका है, जोशीमठ का जोशीमठ में रुका है, अगर अब जोशीमठ का मतलब वीरन जी हमें समझाइए क्या फंसना क्या होता है, कैसे यात्री फंस जाते हैं? क्या 2013 में यात्री फंसे नहीं थे? देखिए जहां तक वस्तु स्थिति है सबके सामने है, लेकिन हमारे कांग्रेस के जो मित्र हैं इस वस्तु स्थिति को अनदेखा कर रहे हैं। नहीं नहीं, मैं अनदेखा नहीं कर रहा हूँ, मैं यथार्थ सत्य बात कह रहा हूँ। देखिए एक यात्री, ये अनदेखा कहना गलत बात है, सरकार कहीं अनदेखा नहीं कर रही, यात्री जो यात्रा कहीं पर भी अनदेखा नहीं कर रही है, वो 6 दिन का अपना सामान लेके पैसा लेके निकलता है कि मुझे 6 या 7 दिन में यात्रा समाप्त करनी है। अब वो 24 घंटे से बद्रीनाथ में रुका हुआ है, 24 घंटे से जोशीमठ में रुका हुआ है, अगस्त मुनि और गुप्त काशी और रामगढ़ में रुका हुआ है, तो इसको जो रुका हुआ कहेंगे ये फंसा हुआ नहीं है, जब वो न तो वापिस आ पा रहा है न पीछे जा पा रहा है, वहां सीमित साधन है। जिन कैंप की बात और जिन अधिकारियों की बात कह रहे हैं, मैं मीडिया से समाचार प्लस से कहना चाहता हूं कि आप जाके उन अधिकारियों को उनको कैंपों को ढूंढ लीजिए जी, देख लीजिए कि वहां पर क्या व्यवस्था सुचारू रूप से हो रही है। हम बार बार सरकार से कह रहे हैं कि आप लोगों की जान के साथ खिलवाड़ मत करिए, लेकिन सही करिए आप में अगर प्रबंधन या त्रुटियां हुई है तो उन त्रुटियों को खत्म करने की कोशिश करिए, जिससे जो है कोई पुनरावृत्ति ना हो, उत्तराखंड राज्य का नाम कहीं बाहर और देश में जो है खराब ना हो, हमें इसकी चिंता है। हम सरकार के सामने मीडिया के सामने इसी बात को तो कह रहे हैं कि सरकार के प्रबंधन में खामियां रही हैं, जिन खामियों की वजह से आज यात्री परेशान है, इन यात्रियों की परेशानी को देखते हुए जल्दी से सरकार को उनकी सुगम और सुरक्षित यात्रा के लिए प्रयास करने चाहिए। सरकार की गुणवत्ता तो देख ली आपने कि पहली बार में जो है जो बारिश आई कितनी सेंटीमीटर बारिश हुई और उनके जो पैदल पुल थे और पीडब्ल्यूडी के पुल थे सब बह गए, ये तो सरकार की मशीनरी के गुणवत्ता के सवाल है जो प्रश्न स्वाभाविक रूप से खड़े होने हैं। तो मथुरावती जी आपको तो उस वक्त भी दिक्कत हुई थी जब विपक्षी एक टीम केदारनाथ का दौरा करके आई थी, लेकिन वीरेन जी यहां पर बताइए, दावा बहुत कर रहे हैं मथुरावती जी कि वहां पर तमाम कैंप लगे हुए हैं, मेडिकल सुविधाएं वहां पर मौजूद हैं, हर तरह की परेशानी से निपटने की तैयारी है, आपने उस वक्त दौरा किया था, कितनी वास्तविकता और कितने दावे पुख्ता है ये? देखिए मैं प्रशांत जी, मैं ईमानदारी से कहना चाहता हूं, आपके मीडिया के सामने इस बात को कह रहा हूं कि जो सरकार की तरफ से दावे किए गए थे ये नाकामी है, नाकाफी है। और अभी भी मैं आपसे कहना चाहता हूं कि आपकी जो टीम उन क्षेत्रों में है वो देखे कि वहां मेडिकल के कैंप कितने लगे हुए हैं, मेडिकल की कितनी सुविधाएं हैं, लोगों को खाना देने के लिए सरकार की तरफ से कोई क्या लंगर लगाया हुआ है, क्या कोई सार्वजनिक रूप से कोई पैकेट बांटे जा रहे हैं, कल तक कोई ऐसी व्यवस्था थी? कहीं ऐसा नहीं है धरातल पे। हम दूसरी तरफ से उनको कह रहे हैं कि हमने कोई दिक्कत नहीं हो रही है, कोई परेशानी, लोगों की जेब में जितना पैसा है वो खत्म होने वाला है, और उसके बाद जो है आप उनको लिफ्ट करके आज आप हेलीकॉप्टर लगाने की बात कर रहे हैं, उनको वापस लेके आ जाएंगे जी। तो ये अगर आपकी व्यवस्थाएं थी तो लोग जैसे ही फंसे थे पहले 6 घंटों में 4 घंटों में उनको जो है तुरंत वहां पे खाने की, नाश्ते की, चाय की तमाम व्यवस्था सरकार की तरफ से हो जानी चाहिए थी, तो निश्चित रूप से हम भी सराहना करते, कहते कि नहीं इस विपत्ति आई है लेकिन सरकार की मशीनरी ईमानदारी के साथ सड़क पर खड़ी है, लोगों की मदद कर रही है जी। जवाब देना चाहेंगे मथुरावती जी। जी देखिए मेरे भारतीय जनता पार्टी के मित्र जो बात कर रहे हैं वो बिल्कुल सरासर गलत बात कर रहे हैं। सारी व्यवस्थाएं हैं, मैं दावे के साथ आपको कह रहा हूं कि हर जगह मेडिकल फैसिलिटी है, खाने का इंतजाम है, गढ़वाल मंडल विकास निगम को विशेष रूप से कहा गया है, स्थानीय प्रशासन को इस विशेष रूप से आदेश दिए हैं कि लंगर लगाने की व्यवस्था करें, यात्रियों को कहीं दिक्कत न हो, पानी की दिक्कत न हो, मेडिकल की दिक्कत न हो, रहने की दिक्कत न हो, कंबलों की व्यवस्था वहां कर रखी, सरकार ने अपने स्तर से सारी व्यवस्थाएं कर रखी है। हम मान रहे हैं उस बात को, जरूर रास्ते टूटे हैं, लेकिन जहां पर भी जो यात्री रुके हुए हैं, फंसे हैं, आप फंसे हैं करें चले, मैं स्वीकार कर रहा हूं फंसे हैं, लेकिन वहां पर किसी यात्री को कोई परेशानी नहीं होने दी जाएगी, सरकार की तरफ से सारे पुख्ता इंतजाम है। अगर इस तरह की बात अगर विपक्ष के मित्र करेंगे जी, क्या उत्तराखंड का हित चाहते हैं क्या जी? क्या यही बात करने के लिए? ठीक इंजाम सरकार का काम होता है, इंजाम करना, सरकार ने अपनी तरफ से पूरे इंजाम किए,
कल तक आपकी यात्रा चल रही थी, आप ही के बहुत बड़े नेता हैं, मुख्यमंत्री यहाँ रहे, केंद्र में मंत्री रहे, उनका बयान आता है कि यात्रा सुगम चल रही है, दूसरे इनके नेता बयान देते हैं कि यात्रा में इंतजाम आ रही है। पहले विपक्ष के लोग अपनी बात तो एक कर लें, इनकी बात को कितना यकीन, ये तो इनका काम है भारतीय जनता पार्टी का कि उत्तराखंड सरकार को इनके इन प्रकार बदनाम किया जाए, मुख्यमंत्री को बदनाम किया जाए, और कोई दूसरा काम नहीं है। मेरा ये स्पष्ट आरोप है, मैं फिर ये बात कह रहा हूँ, फिर मैं इस बात को दोहरा रहा हूँ, सरकार को कह रहे हैं कि समय रहे आगा हो जाए, हम बिल्कुल आगा है, हम आपकी स्थिति हम आपकी हर सकारात्मक करेंगे, लेकिन इस तरह की बात न करें जिससे प्रदेश की छवि खराब हो, प्रदेश का गलत संदेश देश के सामने जाए, इस तरह की बात विपक्ष के मित्र मथुरा दत्त जी। वाकई में तब तक यात्रा बहुत अच्छे से चल रही थी जब तक कि कोई परेशानी नहीं आई, बारिश नहीं हुई, जब तक कोई प्राकृतिक परेशानी नहीं आई, लेकिन कैसे दोस्त कह रहे हैं। प्रशांत जी, मैं आपको बिल्कुल भरोसा दिलाना चाहता हूँ, आप देखेगा कल सुबह से यात्रा बदस्तूर चलेगी और बिल्कुल सही तरीके से चलेगी, कोई बदतमीजी नहीं होगी और बिल्कुल सही तरीके से चलेगी, कहीं पर कोई दिक्कत नहीं होगी। जी जी, अगर कोई दिक्कत भी होगी तो वो आपके सामने आएगी। आप जो आप बात कह रहे हैं, देखिए आपका जो काम आप कर सकते हैं वो काम हम नहीं कर सकते हैं, जो खबर आप पे रहती है वो हम पे नहीं रहती, हम ये बात मानते हैं। मीडिया के आज का मीडिया इतना एडवांस हो गया, ये सत्य बात है, वो आपके सामने आ जाए कि मैं गलत भी करूंगा तो सामने है, लेकिन मैं दावे के साथ कह रहा हूँ सारे इंतजाम पुख्ता इंतजाम है, कहीं पर कोई दिक्कत नहीं है। ये बात जरूर है कि यात्री बद्रीनाथ के बद्रीनाथ में फंसे हैं, नीचे के यात्री नीचे, उनको आगे पीछे शिफ्टिंग का काम चलेगा, जैसे ही मौसम साफ हो जाएगा सारा इंतजाम। मथुरा दत्त जी, आप दावा कर रहे हैं कि यात्रा कल से शुरू हो जाएगी, लेकिन ये बता दीजिए क्या हेलीकॉप्टरों के जरिए आगे बढ़ेगी अब यात्रा, क्योंकि पुल तो टूट गए बहुत सारे, नदियां कैसे जाएगी, सड़कें कैसे बह गई हैं। ऐसा नहीं है कि बिल्कुल सारे पुल ध्वस्त हो गए हैं, टेम्परेरी इंतजाम भी किए जाएंगे, शासन प्रशासन पूरी मशीनरी लगी है, जहां पर जो दिक्कत आएगी उसको दुरुस्त करेंगे, साथ साथ काम भी चल रहा है, सब काम हो रहा है, ऐसा कहीं पर नहीं है कि सारे पुल टूट गए कि यात्रा बिल्कुल ही बंद हो जाए। ये कहने का रहता कि सारे पुल टूट गए मथुरा दत्त जी, लेकिन बड़ी संख्या में पुल टूटे हैं, क्या वहां पर यात्रा प्रभावित नहीं होगी, वहां कैसे आप यात्रियों को आगे बढ़ाएंगे? निश्चित रूप से यात्रा बिल्कुल बढ़ाएगी, ये दावे के साथ हम आपको कह रहे हैं, सरकार के अपने इंतजाम है, वो आपके सामने कल दिखाई देंगे फिर। ठीक है बिस्ट जी, आखिर दावे बहुत हैं, आखिरी कमेंट आपका, क्या वाकई में दावों में यहाँ पर हकीकत कुछ भी 1% भी नजर आ रही है? देखिए प्रशांत जी, सरकार ने तो दावे पहले से भी किए हैं और सरकार हर दावे में विफल रही है। आप ये बताइए कि जो हमारे मित्र कह रहे हैं कि झगड़िया का जो पुल बह गया है, हेमकुट साहब को जो जोड़ने वाला है, उसको अगर आप पैरामिलिट्री फोर्स भी या आर्मी भी उस पुल को बनाती है पैदल चलने के लिए, वो भी 2 से 3 दिन या 4 दिन 3 दिन से पहले नहीं बनने वाला है। आपके केदारनाथ का जो पुल बह गए हैं वो भी 3-4 दिन से पहले नहीं बनने, बिल्कुल। आपका कालीमठ का जो पुल बह गया है वो उसकी हालत भी यही है। तो कहने का आशय है कि ठीक है, आप हेलीकॉप्टर से लोगों को लिफ्ट करके यात्रा कराएं, सुगम और सुरक्षित यात्रा कराइए, उसमें अपने को कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हमारा कहना है कि आपको मालूम थी कितनी बड़ी विपदा पहले आई है, इतना बड़ा नुकसान हुआ है, हमें क्या उन पुलों की गुणवत्ता, उन पुलों की जो हाइट है उनके हिसाब से कि भाई ये इस नदी में इतना रिवर का जो बिल्कुल वीरेन जी, बिल्कुल ऐसा लग रहा है कि शायद 2010 ना केवल 2013 से कोई सबक यहाँ पर लिया गया, और आनंद फानंद में इंतजाम जो किए गए वो पुख्ता नजर नहीं आया, और जो पहली बारिश आई उसमें बहुत कुछ ध्वस्त होता नजर आया। मथुरा दत्त जी, आपका भी वीरेन जी, आपका दोनों का बहुत शुक्रिया इस चर्चा में शामिल होने के लिए।